है व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग अनदर वीडियो। भाई बहुत टाइम हो गया था, मतलब क्या हुआ था कि लाइक वीडियोज़ जो रहती है ना हमारी मेहनी, मतलब ज़्यादातर जो वीडियोज़ रहती है ना कि यार हमारी पुरानी रहती है, हम धीरे धीरे करके डालते रहते हैं। जैसे जब लाइक 26 की वीडियो हमने के 5 फरवरी को डाला था, मतलब वही डिले ही हुआ था, बहुत ही गंदा डिले डिले करते जा रहे थे हम लोग बस। और अभी फिलहाल मैं अकेले ही निकल गया हूँ, कहाँ के लिए, भोजपुर के लिए घर से निकल गया। मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को ठीक नहीं लग रहा था। मतलब चलो घूम के आते हैं अपन लोग भोजपुर, बहुत टाइम हुआ है भी, अभी बहुत टाइम से गए भी नहीं है, तो आज अकेले ही निकल गया। वैसे जाना था लेकिन सब लोगों को टाइम नहीं है, और वैसे भी आज मंगलवार है तो इस वजह से आपको टाइम नहीं रहता। तो मैंने उठाई गाड़ी, मैंने बोला अब नहीं सोच रहा है पेट्रोल भी कम है, आगे जाके फ्यूलिंग भी करानी पड़ेगी, पेट्रोल भरा के अपन सीधे निकलते हैं आज भोजपुर। आज एकदम ना, मतलब आज भोजपुर की राइड करनी है भाई, मैंने बहुत दिन से सोचा था, एक दिन दो दिन डिनाय होता है, तीसरे दिन फिर वो ये है कि फिर करना है तो करना है जस्ट लाइक दिस। देन उसके बाद मैं डायरेक्टली बैग पकड़ा और डायरेक्ट उठ के आ गया। अब देखो मतलब अभी लाइक करीबन अभी बज रहे हैं 7:07, ये आधे घंटे में अपन पहुँच जाएंगे इजिली, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, अरे यार यहाँ पर तो रोड का काम चल रहा है। तो यहाँ से निकलते हैं फिर आगे की ओर, और लाइक पेट्रोल पहले इसमें भरा देते हैं फट से, देन उसके बाद अपन लोग निकलेंगे भोजपुर के लिए, क्योंकि इधर वाला ही रास्ता शॉर्टकट तो उधर साइड से दूसरे साइड से है, लेकिन ना इधर की रोड अच्छी है, वहाँ पर शॉर्ट रोड रहती है तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, नहीं तो आज अपन अकेले ही निकल रहे हैं और बहुत दिनों बाद ही जा रहे हैं। लाइक टू बी ऑनेस्ट, मतलब सावन सोमवार जो थे पिछले साल के 2023 के, जब आपने देखा था हर वीक हम सावन के सोमवार, मतलब पूरे सातों के सातों सोमवार हम लोगों ने कवर किया था, हर सोमवार ऐसा कोई सोमवार नहीं था जो हमने कवर ना किया हो। नाइस भाई। पता है सिर्फ एक ही चीज़ खटकती है, ये रोड, ये वाली रोड है ना, पता नहीं कब से ही काम चल रहा है यार, सही होने के बाद फिर वापस ख़राब हो जाती है, मतलब काम अच्छे से नहीं हुआ। बाकी ये रोड अगर सही हो जाए ना तो भोजपुर में इतना प्यारी रोड है, आगे जाते हैं ना, जैसे ही अपन ने वो टर्न लिया देन उसके बाद इतनी प्यारी रोड चलती है ना भाई, क्या ही बताऊँ। लेकिन बस ये वाला जो सेक्शन रहता है ये 3 किलोमीटर का रहता है, 3 से 4 किलोमीटर का, इसमें बहुत ही ज़्यादा और एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ टूटती हैं, लोग मतलब घंटों से बचाने के लिए एकदम मोड़ लेते हैं, ये वाली बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। अभी तो 2 किलोमीटर में करके आया हूँ तो उधर से मतलब ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब रश रोड है, मतलब एकदम यार तुम्हें मज़ा ही नहीं आएगा बाकी। और जैसे ही तुमने क्रॉस किया, मतलब लाइक चौराहा जो आता है यहाँ पर भोजपुर चौराहा, भोजपुर के मतलब अंदर जाने के लिए जो रास्ता आता है, बस वो रास्ता मोड़े तो उसके बाद फिर इतनी प्यारी रोड है ना भाई, मतलब वहाँ का लीन भी तुम्हें पता ही होगा बहुत प्यारा ही लगता है। देखो अभी कितनी डस्ट हो रहा है यार, ओ डकार आ गई भाई सुबह सुबह ही एकदम। यहाँ से चाय पी ली अपन ने, यहाँ पर पेट्रोल पंप के बगल में ही था, इधर साइड में पेट्रोल पंप है आगे साइड में, यहाँ पर स्टॉप लेके अपन ने ये दद्दू की शॉप दिख रही है वहाँ पर 10 रुपये वाली चाय पी ली। बेवफा वाले के पास नहीं जाएंगे अभी, बेवफा वाले के पास रिटर्न में जाएंगे अपन, तो वो उसकी चाय दिखाना और मैं उसकी शॉप भी दिखाऊँगा, तो उसमें मतलब एक कमिटमेंट है वहाँ पर कि लाइक जो कमिटेड है उन लोगों के लिए महंगी चाय और जो सिंगल है उन लोगों के लिए सस्ती चाय वहाँ पर ऑफर होती है। तो अभी अपन पहले पट से जाते हैं, पहले दर्शन करते हैं, ठीक है, प्रसाद लेते हैं, घर वालों के लिए ले जाएंगे, देन उसके बाद अपन वापस आते हैं उसे चाय पिएंगे और वहाँ की दुकान भी दिखाएंगे। यहाँ तो इधर साइड में कहीं पेट्रोल पंप भी है यार, मैं भूल गया था, तो वहाँ से निकलने का थोड़ा सा ही बचा है, मतलब 5-6 किलोमीटर और बचा है। बस यही वाली रोड जो है मेरे को सही लगती है यार, मतलब एकदम ना ज़्यादा आगे से तो चौड़ी है, यहाँ पर से थोड़ी सी हल्की सी नैरो हो जाती है, लेकिन आगे से अच्छी रोड है। अभी देखोगे ना, अभी तो बत्ती मैं अभी दिखाता हूँ तुमको, पहले भी तो आए हो यार इतनी बार, तो अपन लोग भोजपुर राइड तो अपन ने इतनी करी है ना कि आग बंद करके रास्ता याद है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर सीधा भोजपुर पे, ठीक है, अपन टाइम वेस्ट ही करेंगे, चलो बाय बाय। तो यारिस अपन ने अभी ले लिया प्रसाद, ठीक है,
अभी अपन लोग ऊपर की ओर जाएंगे इधर से, ठीक है। ये रहा प्रसाद, और अकेले ही सोलो आए आज, तो वन मैन आर्मी बन के। पहले हर बार ग्रुप वालों के साथ आते, तो पहले मतलब ऐसा था कि आते रहते थे तो वो भी फिर रुकना पड़ता था, वन बाय स्टॉप ही लेना पड़ता था हर कहीं। तो यहाँ से एंट्रेंस है वो, तो अब एंट्रेंस तो हर बार ही दिखा देता हूँ मैं। हाँ, चेक दिस आउट, अभी तो अंदर और मज़ा आएगा भाई। अकेले आने में लाइक पता है, तुम अपने आप को ही देखते हो, अपने आप में ही खुश रहते हो तुम। ये चीज़ अगर जब अकेले आओगे तो ये चीज़ें होती है, अगर तुम ग्रुप के साथ आते हो तो मज़े आते हैं, बोर नहीं होते। लेकिन अभी थोड़ा सा ऑकवर्ड वियर्ड सा लग रहा है एकदम, लाइक देख रहे हो कितनी मतलब खाली खाली मतलब बहुत ज़्यादा है ना अभी इस वजह से। सो फटफट चलते हैं ऊपर की ओर, जूते वगैरह भी उतारने पड़ेंगे। मैं भी लोअर मतलब ब्लैक इस टाइप के आउटफिट में आया हूँ, होता तो खाली रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहता है, अगर भरा रहता है ना तो उस टाइम में मतलब दर्शन भी नहीं हो पाते अच्छे से। तो खाली में रहेंगे तो अभी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि अभी महाशिवरात्रि में तो यहाँ नहीं जाएंगे, या तो उज्जैन का प्लान चल रहा है, उज्जैन में बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है। तो मैंने बोला है सब लोगों को 8 तारीख को अभी हम लोगों का प्लान चल रहा है। तो ये वीडियो डालने के बाद इसमें कमेंट सेक्शन में और इंस्टा के हैंडल में, जो अब हमारे ग्रुप का हैंडल है, वहाँ पर जाके सारे के सारे जो इंटरेस्टेड है उज्जैन में महाशिवरात्रि के टाइम में, वो लोग फटाफट कमेंट कर देना, ज्वाइन कर लेना। हेलमेट मैंडेटरी है, बाकी अपन देख लेंगे। देखो वो आ रहा है, अभी नहीं दूंगा, आते वक्त दूंगा। वो पीछे आ रहा है, उसको सामान चाहिए तो अभी आके देता हूँ मैं, लात मार दूंगा भाई, मत कर यार। इसमें विकास दिल्ला मैं अपने डॉगी को लेके आऊँगा यहाँ पर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो पीछे ही आ रहा है, देख अभी से मांगने लगा, देख मैं मार दूंगा, बता दे रहा हूँ मैं अकेला हूँ आज भाई। देख वो छोटा सा भी वहाँ पर है, देख डस्टबिन में कूड़ादान में हरकतें कर रही है। अच्छा ठीक चलेगा भाई, बहुत वियर्ड है। वो देख वो भी आ रहा है अभी ही देने वाला है। फटफट शूज उतार लेते हैं यहाँ से, देन ऊपर चलते हैं। यहीं से अभी जाने को दे रहे हैं, बाकी पीछे से ही जाने देते हैं उस टाइम में। अभी मतलब पहले मतलब क्या रहता था, पीछे साइड से जाना पड़ता था, इधर साइड से जो रास्ता है वहाँ से। अभी तो यहाँ से जाने दे रहे हैं, जब महाशिवरात्रि वगैरह चलती है तो उस टाइम में लोग नहीं जाने देते, और मतलब जब एंट्री होती है तो इधर साइड से होती है। सो फटफट शूज उतार लेते हैं। अब वो देख रहे हो कितने गंदे हो रहे हैं, ये ज़्यादा राइट के चक्कर में ही होता है। बाकी इधर से ऐसे घूमते हुए जाते हैं पूरा, तो बहुत ही मतलब लंबा चलता है भाई। कृपया नारियल यहाँ ना फेंके। सो लेट्स रोल आउट, हर हर महादेव। यस चेक दिस आउट भाई, खाली रहता तो कितना सही लगता है। अभी नहीं ले रहा, मैं मारूं, आके दूँ आके फूल खा रहा है चिटकुट सले भाई, भयंकर हरकतें करते यार। चेक दिस आउट भाई, और यहाँ से जो सनराइज हो रहा है ना अभी, तो बहुत कम ही हो रहा है, बाकी स्टार्टिंग का रहता तो और ज़्यादा व्यू अच्छा आता। तो भाई अपन ने तो कर लिए दर्शन, देखो ये रहा। और अभी बीच में रखा था मैंने, वहीं पर कैमरा रख दिया था तो कैमरा गिर गया, तो मैंने बोला अरे यार ठीक है पहले वो कर लो, परिक्रमा कर लो, फिर उसके बाद अपन कैमरे का देखते हैं। सो अभी यहाँ पर चिरंजीवी भी रखी है, तो थोड़ा बहुत अभी अपन लोग वहाँ पर बंदर वगैरह को भी देंगे, वो लोग लेंगे, छीन लेंगे शायद से, बाकी घर पर भी लेके जाना है। और ऐसा कुछ देखो अभी का सीन ऐसा है कि मतलब लाइक देख रहे हो अभी क्राउड नहीं है, और जब क्राउड रहता है ना तो यहाँ से पूरा जाता है इधर साइड से, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो उधर साइड में पूरा ही कि पूरा क्राउड रहता है, मतलब अगर लाइन भी देखो तो नीचे से लगा देंगे लाइनर, फिर उसके बाद सीधे इधर से आते हैं। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ ना यहाँ से,
चलो आगे से दिखाता हूँ मैं तुमको। यहाँ से बैरिकेटर्स रखे हुए, तो ऐसे जाते हैं। फिर जब जाते हैं ना तो इधर साइड से। अभी तुम मतलब अगर शिवरात्रि में अगर होप करता हूँ अगर आना हुआ ना तो बिल्कुल आके हम लोग दिखाएंगे। इतना मतलब भयंकर ही क्राउड रहता है उस टाइम में, तो शांति में मतलब खाली में आके घूम लो वो सही बेटर रहता है। उसके बाद अगर आओगे ना तो क्राउड में ही फंस जाओगे। गंदा भाई, वो तो प्रसाद छीनने आ गया यार, तेरी प्रसाद गिरा दी। मैं मारूंगा अब चिरंजी लेके वाकिया वो तेरे यार ला। अरे यार कैसे चोर है, काले तू काले, तेरी किस्मत है तो नारियल तो नहीं देने वाला हमें भाई। उसने यहाँ से मतलब सिर्फ एक ये बच्चा, मेरे को ये देना पड़ेगा। ये लेगा हम पूरा ले लिया चोर। मेरे मोजे कहाँ है भाई, मोजे भी नहीं पहनने देगा अभी। देखो भाई क्या ही बोले, बंदरिया ने मेरे नारियल और चिरंजी लेके भाग दी और पीछे से तो कोई नहीं आ रहा। ये कुछ यहाँ के खराब लोग कह रहे, ये क्यों लिया, मांगना था ना ये मांगना था इधर से। क्या है अबे और पीछे भगवान से उनको कुछ उनने ऑलरेडी ले लिया वो उधर बीच रोड में। मतलब जिंदगी हो तो इनके जैसी भाई, फुल इंजॉयमेंट फुल आराम। क्यों डॉन छोटा डॉन देख रहे हो, ये बड़ा डॉन उनका सेठ भाई। लिटरली सही लग रहा है यार, मतलब आया ना तो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं आके मेरे को अच्छा लगेगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे को सही लग रहा है यहाँ पर आके। मतलब ऐसे चेहरे में नहीं दिखेगी, मैं खुद से आया हूँ भाई। तो देखो यार तुम लोगों को दिखाना वो चीज़ मैटर करता है, लेकिन अंदर से जो वाइब आ रही है ना सही आ रही है मेरे को टू बी ऑनेस्ट। मैं रात भर सोया भी नहीं और उसके बाद फिर एकदम से दिमाग मेरा ऐसा लग रहा था कि क्या करूँ, देन मैं सीधे उठ के आ गया बाइक से, बाइक ले आया, बाइक लेके उठ के आ गया सीधे ख़त्म खेल। देन लेट्स रोल आउट, यहाँ से निकलते आगे और फिर घर निकलते, मतलब घर ही निकलेंगे और क्या।